नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। कौन मारेगा बाजी में आज हम बात करेंगे बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र की। बाराचट्टी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र गया लोकसभा के तहत आता है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए सुरक्षित सीट है। बाराचट्टी विधानसभा सीट पर 1957 के चुनाव में प्रज्ञा सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार श्रीधर नारायण ने जीत हासिल की थी। 2020 विधानसभा चुनाव में 2010 के उम्मीदवार आमने सामने है। इस बार देखिए वर्तमान में समता देवी यहाँ से विधायक है। बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र के बारे में हम विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले बाराचट्टी विधानसभा के राजनीतिक इतिहास के बारे में जान लेते हैं। तो आइए हम सबसे पहले साल 2015 विधानसभा क्षेत्र के बारे में जानते हैं। साल 2015 के चुनाव में इस सीट से समता देवी विधायक हुई। उन्होंने 70,909 वोट प्राप्त किए थे, वे राजद से रही थी। वहीं उनके निकटतम प्रतिद्वंदी की बात की जाए तो लोजपा से सुधा देवी मैदान में उतरी थी और उन्हें 51,783 वोट हासिल हुए थे। दोनों प्रत्याशियों के बीच 19,126 वोट का अंतर रहा था। अब जानते हैं साल 2010 विधानसभा चुनाव के बारे में। अब हम चुनावी साल 2010 के चुनाव को देखें तो इस सीट पर जदयू से ज्योति देवी विधायक रही थी। राजद से समता देवी भी इस जंग में रही थी। उन्होंने 33,804 वोट हासिल किया था, वहीं 23,746 वोट से वो पीछे रह गई थी। विधायक रही ज्योति देवी को 57,550 वोट हासिल हुए थे। अब साल 2005 के चुनावी परिणामों की तरफ रुख करें तो इस साल दो बार चुनाव हुए थे। अक्टूबर महीने के चुनाव में जदयू से जीतन राम मांझी विधायक हुए थे, वहीं फरवरी महीने में हुए चुनाव में राजद से विजय कुमार विधायक रहे थे। आपको बता दें कि इस सीट पर साल 2003 में भी चुनाव हुए थे, जिसमें विधायक की कुर्सी राजद से समता देवी को मिला था। साल 2000 के चुनाव के रिजल्ट पर एक नजर डाले तो इस बार राजद का ही कब्जा रहा था। राजद से भागवती देवी विधायक रही थी। अब हम पिछले चुनावी साल की तरफ रुख करें तो इस सीट पर साल 1996 में उपचुनाव हुआ था, जिसमें जीतन राम मांझी को कुर्सी सौंपी गई। वहीं साल 1995 के चुनाव नतीजों को देखें तो इस साल यहां से IPF पार्टी से उमेश सिंह विधायक निर्वाचित हुए थे। अब क्षेत्र के विकास कार्यों पर एक नजर डालें तो विकास कार्यों को पूरा किया गया है। बाराचट्टी और मोहनपुर में थानों का निर्माण करवाया गया है, सड़कों से एक दूसरे को जोड़ा गया है। पानी और बिजली की कमी से लोग त्रस्त थे, जिसकी आपूर्ति भी की गई है। चुनावी मुद्दों की तरफ हम चले तो स्थानीय लोगों के मुताबिक कई समस्याओं का निदान किया जाना है, क्योंकि बुनियादी सुविधा के अभाव से हर दिन लोगों को दो दो हाथ करना होता है। बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र में एक बार फिर से पुराने उम्मीदवार आमने सामने होंगे। NDA के खाते में यह सीट हम के पास है, तो वहीं महागठबंधन से यह सीट राजद के खाते में है। राजद के उम्मीदवार वर्तमान में विधायक है। 2015 विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी महागठबंधन का हिस्सा हुआ करती थी, वहीं हम NDA के साथ थी। 2015 विधानसभा चुनाव में सीट पर लोजपा और राजद के बीच में लड़ाई थी, लेकिन एक बार फिर से 2010 की तरह लड़ाई 2020 विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगी। बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र में राजद और जदयू दोनों का दबदबा रहा है। इस विधानसभा सीट से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी विधायक रह चुके हैं। उन्होंने 1996 में विधानसभा का उपचुनाव जीता था। वर्तमान में बाराचट्टी संसदीय क्षेत्र से जदयू के विजय कुमार सांसद हैं। ऐसे में अब यह देखना दिलचस्प है कि बाराचट्टी विधानसभा की जनता किसे अपना नेता मानती है। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।